हलो हेलो 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 नमस्कार जय श्री राम जय श्री कृष्णा सभी विद्यार्थियों का के के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है और पूरे जोश और जुनून के साथ आज एप्लीकेशन पर पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों से मेरे भाइयों से मेरी बहनों से ये निवेदन है कि हाथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठे ऐसे नहीं सब रजाई में माथा दे दिया अर्थात रजाई में सिर दे करके फिर मोबाइल में पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा मेरी बहना मेरे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा सभी विद्यार्थी टेबल पे कुर्सी लगा करके 90 डिग्री पे बैठ करके और फिर लिख लिख करके आराम से एक एक चीज को पढ़ो बाकी की चीज आगे आगामी जो वीडियो होंगी उनमें बताएंगे आपको क्या क्या प्रोसेस रहेगा फिलहाल पढ़िए आप तो आज का पहला टॉपिक है जो मैं आपको पहले पढ़ाता हूं शुरुआत से पहला टॉपिक है आपका ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी ये जो टॉपिक है ये त्रिकोणमिति का ही एक भाग है इसमें त्रिकोण लगती है त्रिकोण का ही एक भाग है बट इसमें मैं कहीं पर भी त्रिकोण का उपयोग नहीं करूंगा स्टार्ट करेंगे शुरुआत से ऊंचाई दूरी अब ध्यान समझना भी क्या है मामला मैंने कहा ऊंचाई ये है ऊंचाई मैंने किसी भी मीनार की किसी भी दीवार की किसी पेड़ की अगर ऊंचाई नापने के लिए मैं कहूँगा तो बिल मतलब उसको नापने के लिए क्या करेंगे जो फीता होता है स्टेप जिसे कहते हैं उसको बिल्कुल नीचे जड़ में लगाएंगे और उसकी जितनी भी हाइट है वहां तक लेके जाएंगे इसको कहते हैं ऊंचाई यानी कि ये अगर मीनार है इसको अगर मैं मापूंगा तो यहां पर लगा करके ऐसे मापूंगा ये ऊंचाई तो है अब बात आती है डिस्टेंस की यहां से लेकर के कोई सा भी बिंदु तक यानी यहां तक अगर मैं बात करूं ये जो दूरी है ये डिस्टेंस हो जाएगी तो ये हो गई ऊंचाई ये हो गई दूरी बस बन गए ऊंचाई दूरी अब इसको मैं मिला दूं अगर मैं इसको मिला दूं तो ये बन गया आपका त्रिभुज और ये जो त्रिभुज बना है ये कौन कितना डिग्री का नब्बे डिग्री का और ये जो त्रिभुज बना है ये त्रिभुज कहलाता आपका समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बोलिए सभी समकोण त्रिभुज आराम से पढ़ेंगे ऐसे फिलिंग करेंगे ऐसी फिलिंग अंदर लाएंगे जैसे कोई ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बिल्कुल तो जैसे मैं कहूं बोलो तो आप बोलेंगे मैं बिल्कुल नहीं सुन रहा हूं लेकिन फिर भी आप बोलेंगे अपना कर्तव्य निभाएं ठीक है अब ध्यान समझना ये कौन सा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुजों के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं ध्यान समझना एक अगर हम पढ़ेंगे एक होता है समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज फिर आ जाएगा आपका सम दिबाहू त्रिभुज आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से फिर आएगा आपका समकोण त्रिभुज एक आएगा आपका विसंभव हो गया संभव हो गया सम चार हो गए और एक आएगा आपका समकोण सम त्रिभुज बिल्कुल आराम से एक दो ये तीन ये चार और ये कितना पांच मुझे नहीं पता आपको कितना आता है मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता बिल्कुल जीरो लेवल जिसे कहते हैं बिल्कुल और घबराना मत कि सर बढ़ बिरतई त्रिकोण मिति का हाई डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं यही तो बात है आप पूरा जोश और जुनून पूरा अंक गणित में लगा देते हो ही एडवांस मैथ भी लेके चलेंगे साथ में एक टॉपिक चलेंगे दोनों को पैरल लेके चलेंगे एक टॉपिक एडवांस मैथ का एक टॉपिक दो घंटे क्लास लगाएंगे डेढ़ डेढ़ घंटे की जो भी है आगे बता देंगे तो आपने देखा कितने त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे पांच प्रकार के अब इनको गोली मारो आप इसमें सिर्फ एक त्रिभुज आपको देखना है वो त्रिभुज है आपका कौन सा समकोण त्रिभुज किधर गया भाई साहब ये ये रहा त्रिभुज हालांकि मैं चित्र से बता देता हूं आपको उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो ऐसे दस दस सेंटीमीटर मान लीजिए विसम भाव उसे कहते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बता रहे हैं जिनसे आप अंतर स्पष्ट कर सके जिनकी भुजाएं अंत संत हो अंटसंट का मतलब कि एक भुजा पांच एक छ एक सात ऐसे कुछ हो समदिभा उसे कहते देखो सम का मतलब समान द्वि का मतलब दो बाहु का मतलब यानी कि यानी कि सिर्फ दो भुजा क्या हो बराबर ये वाली और ये वाली वाली और कोई सी भी मान सकते हो दो भुजा बराबर समिभा अब इसको छोड़ेंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे विस्तृत व्याख्या करेंगे इसके ऊपर ये देखो समकोण समिभा का मतलब समकोण भी है और दो भुजा बराबर भी है लेकिन हमको जो चर्चा करनी है विशेष चर्चा जिसे कहते हैं तो विशेष चर्चा जो करनी है वो इस पे करनी है किस पर समकोण त्रिभुज पर पूरी की पूरी त्रिकोण मिति का जो चैप्टर है इसके जस्ट बाद में मैं त्रिकोण मिति पढ़ाऊंगा हाइट डिस्टेंस खत्म होते ही क्या पढ़ाएंगे त्रिकोण मिति पूरी त्रिकोण मिति जिसमें हाई डिस्टेंस भी आ गई हाइट और डिस्टेंस और त्रिकोण मिति का वो टेन ठीटा को थीटा जिनको देखते ही तुम्हारे बुखार चढ़ जाता है हम देखते हैं देखे बटन दबाते आंसर आएगा तो समकोण त्रिभुज पर टिकी है पूरी त्रिकोण मिति चाहे वो हाईट डिस्टेंस हो चाहे वो त्रिकोण मिति ठीटा वाला चैप्टर हो कोई सा भी हो एक ही त्रिभुज है कौन सा बोलिए समकोण त्रिभुज बोलिए सभी बैठे बैठे समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल अब इसको ध्यान से समझना भी क्या है मामला समकोण त्रिभुज ध्यान से समझना भी क्या ये लो साहब समकोण त्रिभुज प्रकट हो गया समकोण त्रिभुज हो गया इन दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का जो कोण बनता है ज्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे बिल्कुल आराम से जो चीज काम की वही पढ़ेंगे, ठीक है 90 डिग्री का कोण यानी कि किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं अब जैसे ही समकोण त्रिभुज आया इसकी तीन भुजाएं दिख गई आपको तो इन तीनों भुजाओं का नामकरण अब आपको पता है नामकरण करते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं पंडित जी बिल्कुल जन्म स्थान कुंडली माँ बाप का नाम पते के हिसाब से बच्चे का नामकरण करते हैं ऐसा यहां कुछ नहीं है नाम कैसे करेंगे इनके तीन नाम निकले तीन भुजाओं का आराम से बिल्कुल आप देखना क्या क्या चीज सीखने को मिलती है एक का नाम लंब एक का नाम आधार और एक का नाम कर ये त्रिकोण मिति किसी ने पढ़ाओ मेरे से तो उसको भी फिर मैं पहले यही बताता हूं तो आप घबराए नहीं कि सर वही वो, वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो हाई डिस्टेंस का भी बेसिक है और त्रिकोण मिति का बेसिक है इसलिए स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं आगे जा करके दोनों में अंतर आ जाएगा तीनों का नाम लंब आधार कर्ण अब मैं आपसे पूछूं भाई साहब प्लीज मुझे बताइए लंब कौन सा आधार कौन सा और कर्ण कौन सा तो हर एक विद्यार्थी किसी से भी अगर पूछेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से बता देगा बोला सर ये जो है ना ये ये तो कर्ण है बिल्कुल सर कर्ण है आप एक कहो ये क्या है आधार है ये क्या है लंब यानी कई विद्यार्थियों से मैं पूछूंगा वो आंसर बता देंगे ये आधार है ये क्या है लंब लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपने ये गलत बता दिया तो आप अचंबा करेंगे बिल्कुल आपने गलत बता दिया है आपने ये चीज बिल्कुल सही बताई है कि नब्बे डिग्री के सामने क्या होता है करण फिक्स है नब्बे डिग्री के सामने क्या होता है करण लेकिन आपने लंब और आधार गलत बता दिए अभी हम कह ही नहीं सकते कि कौन सा तो लंब है और कौन सा आधार है इसके लिए डिनोट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर मुझे थीटा लगाना पड़ेगा ध्यान से समझना आराम से लो। चिन्द चिन्द वो कर लेते हैं कलर ये कौन मैंने क्या लगा दिया थीटा। और अब मैं कह सकता हूं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी अब तो पीछे बिल्कुल बैक आइए मैंने क्या कहा नब्बे डिग्री के सामने फिक्स होती है भुजा कर्ण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है फिक्स है लंब होती है और जो तीसरी भुजा बच गई उसको क्या कहते हैं आधार आप कहेंगे सर हमने कौन सा उर्दू में बताया है हमने भी तो यही बताया है लेकिन ध्यान से समझना अगर मैं थीटा यहां से आता है कि ध्यान समझना यहां से वही नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी करण ये तो आपने सही बताया था अब पिछली बार मैंने थीटा यहां लिया था अब यहां का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। थीटा अगर मैं यहां ले लू तो और जैसे ही अगर मैं थीटा यहां लूंगा तो थीटा के मैंने क्या कहा नब्बे डिग्री के सामने तो करण सभी का ध्यान इधर प्लीज नब्बे डिग्री के सामने करण होता है थीटा के सामने क्या बताया था मैंने बोलिए लंब नब्बे डिग्री के सामने करण थीटा के सामने लंब और जो तीसरी भुजा बच गई उसे कहेंगे क्या आधार आप कहोगे सर दिल के अरमाशुओं में बह गए हम तो आज तक ऐसे सुनते आए थे बोले जो आधा पड़ा है ना वो तो आधार है और लंबा खड़ा है वो लंब है तो ये अवधारणा चेंज कर लीजिए आज के बाद क्या सीखेंगे रटियब ये तो पढ़ाया है अब रटिये 90 डिग्री के सामने तो क्या होता है करण बोलिए घर पर ही सामने करण थीटा के सामने लंब और तीसरी भुजा जो होती है उसे क्या कहते हैं आधार और इन तीनों में एक संबंध पाया जाता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं भाई साहब हाँ जी इन तीनों में एक संबंध पाया जाता है जिसे पाइथागोरस में कहते हैं और वो होता है क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होती है कारण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ठीक है यहां तक क्लियर है एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑन ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो अगर कोई चीज अगर आपको ज्यादा समझ में आ, आ जाए तो आप स्पीड बढ़ा करके आगे उसको निकाल सकते हैं ठीक है अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो ठीक है तो क्या पढ़ा है मैंने एक समकोण त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का नब्बे डिग्री का और नंबर डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है और जो बाकी तीसरी भुजा जो बच गई वो क्या होती है आधार इन तीनों में एक संबंध होता है जिसको क्या कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यहां तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है ठीक है अब आगे चलते हैं असली पाइथ होगा तो में क्या है ये मैं बता चुका हूं या फिर आगे बता देंगे बता चुका क्या अभी तो बैच स्टार्ट पहली क्लास है आज कोई बात नहीं और आगे बता देंगे ठीक है अगला देखिए आप ध्यान समझना बिल्कुल आराम से हाइट डिस्टेंस में क्या है मामला मैं बताऊ आपको आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी अभी तो नहीं पढ़ी मैं पढ़ाऊंगा आपको लेकिन आपने टेंथ क्लास में तो पढ़ी होगी सभी ने चाहे वो आर्ट्स का हो कॉमर्स का हो साइंस का हो कोई भी विद्यार्थी हो तो सारणी आपने पढ़ी होगी तो सारणी अगर आपने पढ़ी है तो सारणी में आपने सारणी वो सर पुराने दिन याद मत दिलाओ बड़े मुश्किल से तो गए हैं एक तो जीरो डिग्री होता था एक तीस डिग्री होता था एक पैंतालीस डिग्री होता था एक साठ डिग्री होता था एक नब्बे डिग्री होता था ध्यान से समझना बिल्कुल मजा आएगा भाई साहब दोबारा से रिपीट करो पहले नंबर पे जीरो फिर तीस फिर पैंतालीस, फिर साठ और फिर नब्बे पांच हो गए भाई साहब कितने हो गए पांच अब ध्यान से समझना यहां मैंने ये समकोण त्रिभुज बना दिया ये लो ये तो फिक्स नब्बे डिग्री होता है एक चीज और कि त्रिभुज कोई सा भी हो मैंने पांच प्रकार के त्रिभुज बताए थे पिछली अभी पिछली स्लाइड में कोई सा भी त्रिभुज हो त्रिभुज के तीनों कोणों का को योग कितना होता है 180 डिग्री ये तो गणित की एबीसीडी है और अगर नहीं आता तो याद कर लो त्रिभुज के तीनों कोणों का को योग कितना होता है 180 होता है 180 ही क्यों होता है इसके लिए ज्यामिति में पढ़ेंगे ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा 180 ही क्यों होता है ठीक है फिलहाल काम चलाइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है एक जिसमें से अकेला ये कोण कितना लेके बैठा है? 90. अब अब बच गए वाला वाला। और ये वाला. अब एक एक पकडेंगे बिल्कुल आराम से मैंने बिड़ते ही जीरो डिग्री उठाया तो अगर मैंने यहाँ जीरो डिग्री लिखा ध्यान समझना मजा आएगा जीरो डिग्री ठीठा नहीं है ये जीरो है अब जीरो का मतलब क्या होता है अब ध्यान समझना मैंने क्या दो चीज से बता सकता हूं ये नब्बे डिग्री ये जीरो और त्रिभुज के तीनों कोणों को एक सौ अस्सी तो ये पूरा एक सौ अस्सी करने के लिए ये कौन? ये तो नब्बे है ही तो ये कितना करना पड़ेगा बताओ नब्बे क्यों क्योंकि ये जीरो है ये जीरो है ये नब्बे है और ये नब्बे तो जोड़ेंगे तो एक सौ अस्सी आएगा नहीं आएगा बिल्कुल सर आएगा तो आप मुझे बताओ जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए अब यहाँ मुझे बताओ कि जीरो है तो जीरो जैसा दिखना भी तो चाहिए ना भाई अगर ये जीरो है तो जीरो जैसा दिखना भी तो चाहिए तो ये जीरो है क्या भाई ये तो कुछ ना कुछ दिख रहा है तो जीरो का मतलब कैसे है? ध्यान समझना एक पेन देना सर थोड़ा समझिए भाई क्या है ध्यान समझना सबको दिख रहा होगा ये पेन ठीक है देखो इधर पेन नहीं दिख रहा तो मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर लेता हूँ ये लोग ये लो साहब एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये लो अब ये दोनों अगर मैंने ऊपर ऐसे रख दिया तो ये कौन कितना डिग्री बताओ नब्बे डिग्री दिख रहा है सबको ये लो ऐसे ये देखो ऐसे दिख रहा है नब्बे डिग्री और अगर मैं इसको ऐसे कम करता जाऊंगा तो कम होता जा रहा है दोनों को ऐसे ऊपर नीचे पटक दूंगा जिसको कहते हैं आध्यापित होना तो दोनों के बीच अगर मैं जीरो डिग्री कौन बनाऊंगा तो ये ऐसे ऊपर नीचे गिर जाएंगे तो मुझे बताओ जीरो डिग्री का तात्पर्य क्या हुआ जीरो डिग्री का तात्पर्य ये हुआ कि यहां पर कोई कौन है क्या मतलब ध्यान समझना देखो ऐसे जीरो का मतलब ये दोनों बुझाएं एक दूसरे के ऊपर और जब ये जीरो है इसका मतलब दोनों ऊपर नीचे तो क्या ये त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा जीरो डिग्री का मतलब ये ऐसे चिपक जाएगा या फिर नब्बे डिग्री ऊपर से देख लीजिए ये अगर नब्बे तो मतलब ये जो भुजा है ये ऐसे होनी चाहिए थी अब ये भुजा ये भुजा ऐसे है ये भुजा ऐसे है ये ऐसे है, तो क्या त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो हाइट डिस्टेंस में प्रश्न किस बात का तो ध्यान से रखना भाई ध्यान से याद रखना कि कभी भी हाइट डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी में जीरो डिग्री आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जब जीरो डिग्री लगाते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता है त्रिभुज नहीं बनता है तो जब प्रश्न ही नहीं है तो फिर किस बात का जीरो आंसर यानी कि जीरो कभी भी हाई डिस्टेंस में आंसर नहीं हो सकता आगे बात समझ कितने थे टोटल पांच पांच में से एक का टंटा खत्म अब कितने बच गए चार अब नब्बे डिग्री को लेकर देख लीजिए भाई अगर मैं ये आपसे कहूं ध्यान से, से समझना भाई क्या है मामला ये समकोण त्रिभुज है समकोण का मतलब एक कोण तो नब्बे डिग्री होगा ही होगा और ये कोण मैंने जीरो डिग्री लेके देख लिया जीरो का मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा हाई डिस्टेंस में जीरो कभी भी आंसर नहीं हो सकता चैलेंज है आपको ओके, वो तो बता देना नब्बे डिग्री देख लीजिए नब्बे डिग्री का मतलब यहां अगर मैं नब्बे डिग्री लगा दूं तो सीधी सी बात है ये नब्बे नब्बे और नब्बे एक है तो दो एक ही अस्सी हो गए तीसरा तो फिर जीरो हो जाएगा नब्बे का मतलब ये सीधा ऐसे कैसे खड़ा गया हो अब दो भुजा अगर ऐसे खड़ी है तो कभी वो आपस में मिलेगी क्या नहीं मिलेगी और अगर नहीं मिलेगी तो क्या त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा तो ध्यान रखना कि हाई डिस्टेंस में कभी भी नब्बे डिग्री आंसर नहीं हो सकता अब तुम कहोगे मास्टर ये तो मजा आ रहा है तुम तो काटे जा रहे हो नहीं हो सकता तो टंटाई खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कटना था, था ना वो कट गया अब आपके सामने तीन बच गए तो हाई डिस्टेंस मैंने पढ़ा है त्रिकोण में पांच कोण होते हैं जीरो तीस पैंतालीस साठ नब्बे जीरो कभी जिंदगी में हाई डिस्टेंस में आंसर नहीं हो सकता क्योंकि त्रिभुज नहीं बनता डिग्री कभी भी हाई डिस्टेंस आंसर नहीं हो सकता क्योंकि त्रिभुज नहीं बनता अब बज गए तीस पैंतालीस और साठ आराम से पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। ऐसी फीलिंग करवा रहा हूं, आपको जाने कोई ऑफलाइन पढ़ रहे ठीक है।, है कुछ बड़ा करने ही सोच के जब भी उतरे यहाँ पर ठीक है ध्यान से समझना अब बात आती है एक एक त्रिभुज बनाते हैं ध्यान से समझना ये नब्बे डिग्री एक ले लेते हैं कौन सा तीस कौन हमेशा नीचे लगाएंगे भाई ये तीस डिग्री ले लिया ठीक है आराम से दो त्रिभुज बना लो ये नब्बे डिग्री और ये ले लेता है यहां इधर पैंतालीस ठीक है और तीसरा और ले, ले लेते हैं यहां पर बना देते हैं इसको मिटा देता है ये लो ये कौन नब्बे डिग्री और ये तीसरा ले लेता है कौन सा साठ ये नब्बे डिग्री वाला मैंने कैंसिल कर दिया था ऐसे लो ये जो तीन कोण है इन तीनों कोणों से मैंने नीचे नब्बे डिग्री तो सब फिक्स है तीस उतार दिया ये पैतालीस और ये कितना साठ तीन आकृति बन गई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बोलिए 180 बोलोगे तभी याद होगा भाई ध्यान रखना अपने पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है गूंगे भैरों की तरह नहीं पढ़ाया जाता बोल बोल के पढ़िए बोलने से याद होता है ठीक है ये नब्बे डिग्री है ये तीस डिग्री है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक ये नब्बे ये तीस तो ये साठ डिग्री हो जाएगा ये हो जाएगा साठ डिग्री साठ और तीस नब्बे और नब्बे एक सौ अस्सी राइट right. नब्बे है ये पैंतालीस है एक सौ अस्सी करने के लिए ये कितना होगा पैंतालीस रामजीलाल भैया बोलिए कितना होगा पैंतालीस ठीक है अब ध्यान से समझना ये नब्बे डिग्री है ये साठ है पूरा एक सौ अस्सी अगर करना है तो ये कितना करना पड़ेगा सर तीस कर दो क्यों तीस और साठ नब्बे और नब्बे एक सौ अस्सी तीनों त्रिभुजों में तीनों का जोड़ एक सौ अस्सी बैठ रहा है अब ध्यान से समझिए बिल्कुल ध्यान से समझिए बिल्कुल अरे यार ज्यादा अंधेरे में गया मैं अब देखो इधर तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इन तीनों त्रिभुजों को इन तीनों त्रिभुजों में आपने देखा है वो पहले बाल बाल भास्कर आती थी दैनिक भास्कर बाल भास्कर पत्रिका या फिर और भी कोई समाचार पत्रिका आती थी उसमें वो आता था बच्चों का अंतर ढूंढिए दो तो चित्र आते थे इनमें दस अंतर ढूंढिए वैसा सिस्टम है आप बताओ इनमें अंतर क्या है यानी कि इन तीन त्रिभुज में आप ध्यान से जब देखेंगे तो दो त्रिभुज एक जैसे ही दिखेंगे अब बताओ देखे कौन कौन से हैं मैं साइड में हो जाता हूं बोलो सर एक तो ये फर्स्ट नंबर वाला और एक थर्ड नंबर वाला फर्स्ट नंबर वाला और थर्ड नंबर वाला एक ही त्रिभुज है तीस साठ नब्बे तीस साठ नब्बे बात तो एक ही है भाई ये लो टंटा खत्म जब दोनों एक ही त्रिभुज है तो दोनों में से एक हटा दो ये लो भाई टाटा बाय बाय, बाय बाय, कितने बच गए अब दो यानी कि पूरे त्रिकोण मिति में से यहाँ से दो ही त्रिभुज निकल के आए और हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है अब यहां से यानी कि मैं चाहता तो यहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर सकता था कि दो त्रिभुज ऐसे पैंतालीस पैंतालीस नब्बे और तीस साठ नब्बे लेकिन आप ये कहते कि सर ये आए कहाँ से सर ये तीस पैतालीस साठ नब्बे आया कहाँ से लेकिन आप ये प्रश्न ना पूछो मैं पूछने की जरूरत नहीं छोड़ता हूं तो ये कहाँ से आए ये मैंने आपको बता दिया एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर आगे चलते हैं त्रिकोण का ही एक टॉपिक डिस्टेंस ऊंचाई दूरी हाइट डिस्टेंस मिलाएंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा समकोण त्रिभुज की खासियत एक कोण नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री के सामने की भुजा करण थीटा के सामने वाली भुजा लंब तीसरी भुजा आधार तीनों में एक संबंध होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कई युवा आलस्य आता होगा रिपीट करने में लेकिन मुझे क्या पता कौन पहली बार पढ़ रहा है कौन कितनी बार पढ़ रहा है कौन कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है तो मैं मेरा काम कर रहा हूं ठीक है उसके बाद मैंने कहा कि जब त्रिकोण की जब सहणी पढ़ते हैं तो उसमें जीरो तीस पैंतालीस साठ और नब्बे जीरो तीस पैंतालीस साठ और नब्बे कितने कौन दिखते हैं पांच और जब <coughs> सॉरी पांच कौन दिखते हैं पांच में से दो यानी जीरो डिग्री का भी जिंदगी में आंसर आ सकता है कतई नहीं आ सकता नब्बे डिग्री आ सकता है कतई नहीं आ सकता कितने बच गए तीस पैतालीस और साठ तीनों से कितने त्रिभुज बनाए थे मैंने तीन बनाए थे लेकिन दो एक जैसे निकल गए बच गए कितने ये दो यानी कि पूरी हाइट डिस्टेंस हमारे इन दो ही त्रिभुजों के ऊपर टिकी हुई है अब ध्यान से समझना भाई क्या है थोड़ा सा काम और रटने का फिर आगे चलते हैं डिग्री के सामने ध्यान से समझना तीस डिग्री के जो सामने है ध्यान समझना वो मैं एक मानूंगा क्या मानूंगा एक तीस डिग्री के सामने क्या मानूंगा एक साठ डिग्री के सामने क्या मानूंगा मैं रूट तीन और नब्बे डिग्री के सामने मैं मानूंगा दो ये मैं मिटा देता हूं आप कहेंगे सर ये क्या है बिल्कुल अभी बताएंगे आपको ये कहां से आए फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप रटिए सामने सर एक साठ के सामने रूड़ी के सामने दो एक बार दोबारा से, तीस के सामने एक साठ के सामने रूढ़ तीन नब्बे के सामने दो अब मैं कैसे विश्वास करूं कि आपको याद हो गया आप इतने तगड़े वीर हो नहीं कि आप वीडियो पोज कर करके इसको याद कर लेंगे मैं विश्वास कम करता हूं इसलिए मैं खुद ही याद कराता हूं तो आप खुद ही मैं करा रहा हूं याद आप कीजिए अगर किसी को याद है तो वो आगे स्किप कर दे वीडियो को थोड़ा आगे कर दे तीस के सामने बोलिए सभी रजाई में से माथा बाहर यानी चेहरा बाहर निकाल के बढ़िया तरीके से बैठ करके बोलेंगे तीस के सामने एक तीस के सामने एक साठ के सामने रूढ़ तीन नब्बे के सामने दो तीस के सामने एक साठ के सामने रूढ़ तीन नब्बे के सामने दो दो किसके सामने तीस के सामने साठ के सामने दो किसके सामने साठ के? नब्बे के सामने दो किसके सामने नब्बे के सामने और एक किसके सामने था तीस के सामने और रूट तीन साठ के सामने और दो नब्बे के सामने तो ये मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं तीस के सामने क्या होता है एक साठ के सामने रूट तीन नब्बे के सामने दो और मैं याद करा दूंगा आप चिंता ना करें ठीक है इसको मैं मिटा देता हूं अच्छा ये एक रूढ़ तीन ये दो कहां से आए अभी हम बता देंगे आपको ठीक है डोंट वरी आप चिंता ना करें सारी नस नस से वाकिफ कराऊंगा आपको त्रिकोण में हाइट डिस्टेंस पूरी गणित से ये देखिए 45 के सामने कितना एक ये पैंतालीस के सामने भी एक और नब्बे के सामने रूट दो अगर रूट दो अगर आपको नहीं भी है तो आप इसको निकाल सकते हैं कि आपको पता है पाइथागोरस का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार ये मान लीजिए आप चाहे ये मान लो कोई सा मान लो एक का अगर मैं वर्क करूंगा तो एक ही आएगा स्क्वायर करेंगे और इधर एक का वर्क करेंगे तो ये भी एक आएगा एक और एक दो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आया दो तो के बराबर कितना आ जाएगा इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट दो इसलिए कर्ण कितना आ जाएगा नब्बे के सामने रूट दो इसको गोली मारिए आप रहने दीजिए मैं बताऊं जैसे जैसे पढ़ते जाइए आप तो क्या है मामला आपको ये याद करना है पैंतालीस के सामने कितना एक पैंतालीस के सामने एक नब्बे के सामने रूट दो दोबारा से बोलिए पैंतालीस के सामने एक पैंतालीस के सामने एक नब्बे के सामने रूढ़ दो याद हो जाएगा उस वाले नब्बे के सामने क्या था दो तो इस नब्बे वाले के सामने रूढ़ दो इधर एक पैंतालीस पैंतालीस के सामने उधर एक तीस के सामने था एक बार मैं वापस बना देता हूँ वो चित्र टे कौन नब्बे ये कौन तीस ये, ये कौन कितना साठ 30 के सामने एक साठ के सामने रूढ़ तीन नब्बे के सामने दो ये दो आपके सामने चित्र हैं। अब ध्यान से समझना भाई बहुत बड़ी बात करेंगे क्या करेंगे ध्यान समझना कि यहां पर वही ये दो हैं। ध्यान समझना बिल्कुल ये एक भुजा ये रही और दूसरी भुजा ये रही इन दोनों भुजाओं को ढकने के लिए ध्यान से समझना भाई इन दोनों भुजाओं को ढकने के लिए तीसरी भुजा की आवश्यकता है अब ध्यान समझना ये कौन इतना है और इसको ढकने के लिए इतनी आवश्यकता है अब मैं कौन कम कर रहा हूं ध्यान समझना कौन को मैंने कम कर दिया तो ढकने के लिए कम चाहिए भुजा मैं और कौन कम करूंगा तो ढकने के लिए और कम चाहिए कौन अगर और कम कर रहा हूँ तो इसको सामने ढकने के लिए भुजा और कम की चाहिए और और कम करूंगा तो और और, और बिल्कुल ही कम कर दूंगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से ये कौन अगर है तो उसको ढकने के लिए इतनी भुजा चाहिए और कौन अगर कम है तो ढकने के लिए कम भुजा चाहिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बहुत तगड़ा निष्कर्ष निकलता है जहां रखना इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर कौन छोटा है ध्यान समझना कौन अगर छोटा है तो सामने की भुजा छोटी और अगर कौन बड़ा है तो सामने की भुजा बड़ी और अगर कौन बराबर है तो भुजा भी बराबर तीन चीज बोली है मैंने ध्यान समझना वापस से रिपीट करेंगे दोबारा से तीनों चीज क्या है कौन देखो ये दोनों कौन ये एक भुजा ये है एक भुजा ये है मान लीजिए ठीक है तो अगर कौन देखो बड़ा है तो सामने को इसको ढकने के लिए बड़ी भुजा चाहिए ठीक है कौन अगर छोटा है तो इसको ढकने के सामने की भुजा छोटी और अगर कौन बराबर तो भुजा भी बराबर दोबारा से बोलिए कौन छोटा तो सामने की भुजा छोटी कौन बड़ा तो सामने की भुजा बड़ी कौन बराबर तो भुजा भी बराबर यानी जो जैसा है वैसा रहेगा छोटा भुजा छोटा कौन बड़ा तो भुजा बड़ी कौन बराबर तो भुजा भी बराबर अब ये चीज यहां दिखेगी आपको आराम से देखो इनमें ये पैंतालीस डिग्री है ये भी तो पैंतालीस डिग्री है कौन बराबर है तो देखो इस पैंतालीस डिग्री के सामने की भुजा कितनी है एक तो इस वाले पैंतालीस के सामने की भुजा भी तो एक ही है तो मैंने यही तो सिखाया है क्या कि कौन अगर बराबर है तो सामने की भुजा भी क्या रहेगी बराबर और ध्यान समझना गणित में दो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर जगह हर क्षेत्रफल पढ़ेंगे वहां काम आएगा अर्थमेटिक पढ़ेंगे समय चाल दूरी रेलगाड़ी नाव धारा वर्ग मूल घन जो भी आप पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन जो भी जो भी आप पढ़ेंगे तो उनमें आपको दो मान याद होना चाहिए पूरी गणित पढ़ने के लिए दो मान तो कम से कम आना ही चाहिए एक तो रूढ़ दो का मान किसका एक तो रूट दो का मान और एक रूट तीन का मान आप में से कितने विद्यार्थी रूट दो और रूट तीन का मान जानते हैं ते... मैं ये भी विश्वास नहीं करता हूं कि आपको रूट दो का मान भी आता है मैं ये भी विश्वास नहीं करता कि आपको रूट तीन का मान आता है मैं तो बिल्कुल आपको जीरो समझ रहा हूं और सारी चीज मैं पढ़ा रहा हूं और याद और कराऊंगा क्लास में ही मेरी जिम्मेदारी है याद कराने की भी अब देखिए आराम से ये दो मान बहुत ज्यादा काम आते हैं सर भी पढ़ा देते हैं बड़े बड़े अंकल जी जो हमारे पढ़ाने में लग रहे हैं तो अंकल जी जो पढ़ाते हैं तो वो ये उनको ये नहीं दिखता कि स्टूडेंट को क्या याद है क्या नहीं है तो अपन बिल्कुल बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी है बिल्कुल याद करा रहे हैं साहब ध्यान समझो बिल्कुल आराम से और ये बहुत बड़ी गलती कर देता है फिर आगे जा करके के रूढ़ दो का मान याद नहीं है रूढ़ तीन का मान याद नहीं है आगे जा जब प्रश्न करते हैं मुंह भाट देते हैं यही तो चीज है बेस तो क्लियर करो रूर दो का मान होता है ध्यान समझना अब देखो याद करने का तरीका देखना भाई हंसना मत कोई भी ठीक है अपना काम यही है बिल्कुल देसी सिस्टम से पढ़ाते हैं रूर दो का मान होता है तेरह के बाद क्या आता है चौदह आता है और इसी की फोटो कॉपी इधर पेस्ट कर दो दोबारा से चौदह लिख दो नहीं आया समझ में दोबारा से देखो देखो इसको बोलने का तरीका चौदह चौदह बोलो सभी रूढ़ दो का मान बोल लो चौदह चौदह सभी बोलो रजाई में से बाहर निकल के बिल्कुल सटीक बैठ के रूढ़ दो कमान चौदाह चौदह रूढ़ दो का मान चौदह चौदह रूढ़ का मान चौदाह चौदह चार बार बोल दो काम हो जाएगा आप ये सोच रहे होंगे पहली बार ऐसा टीचर मिला है जो बिल्कुल जैसे जीके पढ़ा रहा है वैसे गणित तो पढ़ा रहा है आपने एक मंत्र देखा होगा ओम ही दियो यो प्रचो स्वाहा प्रचोदया तगड़ा मंत्र है बड़े बड़े विद्वान लोग इसको शुद्ध लिख नहीं सकते और आप इसको फ्रेंक्टली जो क्या कह कहते हैं इंग्लिश में बिल्कुल ताबड़तोड़ बोल रहे हैं आप रीजन क्या है इसका आपने उच्चारण किया है बोला है बोल, बोल के कभी याद किया है नहीं

आई कि नहीं आई ईमानदार मानदारी तुमको कसम है मम्मी पापा की या तुम मनी मन में जिसको ज्यादा चाहते हो उसकी कसम है आई ना बस यही वही गणित बना बताना चाहता हूं मैं रटा के समझ में आ जाए तो अच्छी बात है राजी से नहीं तो बेराजी से रूढ़ दो का मान बोलिए चौदह चौदह रूढ़ दो का मान चौदाह चौदह रूढ़ दो का मान चौदाह चौदह आराम से याद हो गया होगा अब आती है रूढ़ तीन का मान रूढ़ तीन का मान होता है एक बचपन में पहाड़ा था बड़े प्राण पिए उसने वास्तव में बचपन में एक पहाड़ा था जिसने हेलो हाँ जी तो रूढ़ तीन का मान याद करेंगे तो रूढ़ तीन का मान क्या है बचपन में एक पहाड़ा था बड़े प्राण पिए उसने भाई साहब सत्रह का पहाड़ा पंद्रह तक तो बड़ी मुश्किल से याद पंद्रह तक तो बहुत मुश्किल से याद होते थे सत्रह के पहाड़े पूरे प्राण पीते थे पहले बचपन में याद करते थे स्कूल में मॉनिटर खड़ा कर देता दो एक दो दो, दो, दो चौके और उछल उछल के याद करते थे ना सत्रह का पहाड़ा बोलो देखे टाइम टाइम सत्रह का पारा बोले सत्रह एकम सत्रह सत्रह दूना सत्रह का पारा नहीं आता वो भिड़ते ही गलती कर दे सत्रह एकम सत्रह सत्रह दूना बत्तीस पिटेगा नहीं पिटेगा हम भी यही गलती करते हैं क्या सत्रह एकम सत्रह सत्रह दूना बत्तीस ये तो बात और है क्या सत्रह एकम सतराह सत्रह दूना बत्तीस 30, होता चौतीस है लेकिन मैं क्या लिखूंगा बत्तीस लिखूंगा क्योंकि हमारा काम हो रहा है इसलिए बताओ रूढ़ दो का मान चौदह चौदह रूढ़ तीन का मान सत्रह दूना बत्तीस होता चौंतीस है कोई सुनेगा बगल में कोई पढ़ रहा हो ऑनलाइन मेरे से <laughs> बगल में कोई सुन रहा है क्या पढ़ रहा है कौन के के क्या है ये इसको सत्रह का पहाड़ा नहीं आता कोई बात नहीं लेकिन आपको पता है मैं क्या बता रहा हूँ सत्रह दूना बत्तीस ठीक है अब ध्यान से समझना अब आपको ये मैंने संख्याएं आपको लिख दी है लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है क्या लगाना है पॉइंट देखो कैसे इधर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो इधर ये लो <coughs> इधर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो पॉइंट लगाना तो तुम जानते ही हो यही काम है मास्टर सीखा ही यही है किसी के ऊपर भी पॉइंट लगवा लो हमसे आप पे लगवा लो मोदी जी पे लगवा लो गहलोत जी पे लगवा लो किसी पे लगवा लो पॉइंट लगाना तो जान ही गए होंगे बस याद हो गया रूट दो का मान वन पॉइंट फोर वन फोर या चौदह चौदह पॉइंट लगा लेंगे अपने आप कोई दिक्कत नहीं है रूट तीन का मान सत्रह दोनों बत्तीस यानी वन पॉइंट सेवन थ्री टू मेरा काम याद कराना था मैंने करा दिया है आगे चलेंगे एन्जॉय एंजॉय के साथ पढ़ेंगे तो फिलहाल आपने देखा अब ध्यान समझना मैंने एक चीज कही थी आपसे क्या मैंने एक बात कही थी आपसे ध्यान समझना क्या कौन छोटा तो सामने की भुजा छोटी कौन बड़ा तो सामने की भुजा बड़ी और कौन बराबर तो भुजा भी बराबर अब यहां से ध्यान समझना रूट तीन का मान क्या बताया मैंने सत्रह दो न बत्तीस यानी सत्रह बत्तीस ऐसे पॉइंट लगा देंगे और इधर हो ही गया ठीक है और इधर रूट दो का मान क्या होता है वन पॉइंट फोर वन फोर चौदाह चौदह अब पहले इसको बात कर लेते हैं इसकी बात कर लो पहले इसमें ये पैंतालीस डिग्री के सामने एक है तो पैंतालीस के सामने एक है इसका मतलब कौन बराबर है तो भुजा भी देखो ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न जो बिल्कुल होते ही नहीं है स्टूडेंटों से बिल्कुल हथियार डाल देते हैं नहीं सार नहीं होगा सरेंडर कर देता है उनमें यह काम आएगा और पलक झपकते ही आंसर आएगा तो अभी से और जामिति में तो पता नहीं कितने बार काम आएगा मत पूछो बात आप ठीक है तो कौन अगर बराबर है तो भुजा भी क्या रहेगी बराबर यानी पैंतालीस के सामने अगर एक है तो पैंतालीस के सामने भी कितना होगा एक

कौन बड़ा तो भुजा भी बड़ी कौन बराबर तो भुजा भी बराबर मुँह नहीं फाड़ेगा कोई भी मुंह नहीं फाड़ेगा कोई भी सब जागते रहेंगे सोना नहीं है जागते रहो ध्यान समझना तीस के सामने एक अब इसमें देखो आप सबसे छोटा कौन कौन सा है तीस है तो तीस है तो सबसे इसके सामने की सबसे भुजा क्या रहेगी छोटी तो सबसे छोटा कौन तीस है तो सामने की भुजा भी कितनी है एक है फिर दूसरा बड़ा कौन है इससे बड़ा साठ है साठ है तो इससे बड़ी बुझा देखो एक से बड़ी वन पॉइंट सेवन थ्री टू और सबसे बड़ा ही बड़ा कौन कौन सा है नब्बे तो सामने देखो इसकी बड़ी बड़ी बुझा क्योंकि इससे बड़ा तो दो ही है ना भाई तो क्लियर कंसर्ट आराम से आपको कई विद्यार्थी क्या करते हैं वो जल्दी पढ़ाओ धीरे पढ़ाओ अरे रुक जा भाई डट रहे भाई साहब डट रहे आराम से अच्छी चीजें धीरे धीरे पढ़ाई जाती हैं आराम से पढ़ाई अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो रिकॉर्ड होने के बाद यानी कि स्पीड बढ़ा करके आपको ढाई गुना तक की स्पीड दे रखी है वहां आप पढ़ सकते हैं स्पीड बढ़ा करके ये काम हो गया साहब आगे की बात करते हैं ठीक है अब एक चीज आती है बहुत गजब का चीज मजा वाली चीज आएगी भाई क्या है कि जब भी ऊंचाई दूरी के प्रश्न पढ़ते हैं हम तो उसमें कुछ शब्द कुछ शब्द दिखाई देता है एक तो आता है उन्नयन कौन कौन सा कौन उन्नयन कौन एक शब्द आता है उन्तास कौन उन्तास कौन एक आएगा आपका अवनमन कौन और इंग्लिश में भी आ जाता है एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन स्पेलिंग नहीं आया तो ऐसे ऐसे कर दिया करो मेरी तरह डॉक्टर राइटिंग में सीधी बात है वह गणित के मास्टर है <laughs> उन्नयन कौन उन्तास कोण अवनमन कौन एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्नयन कौन को तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं और अवनमन कौन को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं ठीक है दो, चिंता मत करो मैं आप ही कहो सर आपको इंग्लिश नहीं आती अरे भाई हम गणित के वो मास्टर हैं जिनमें इनको जरूरत ही नहीं पड़ती हम क्यों सीखें आप भी नहीं सीखेंगे ध्यान समझना कैसे ये शब्द और भी कोई शब्द आपको दिखे इन शब्दों पर आपको ध्यान नहीं देना है टंटाई खत्म कर दिया ये लो टॉपिक खत्म बहुत बड़ी बात कह दी मैंने उन्नयन कौन उन्तास कौन अवनमन कौन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन आदि शब्दों पर ध्यान नहीं देना है ऐसे माना कर रहा हूं कहीं एग्जाम ऐसे कर दो उन्नयन कौन उन्ता कौन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन आदि शब्दों पर ध्यान नहीं देना है ख़त्म। अब यानी कि मेरी तरफ से आपकी ये जो थ्योरी होती है वो कंप्लीट है वो आप प्रश्न कर सकते हैं लेकिन कुछ विद्यार्थियों के जिद होती है नहीं सर ये बताओ ये आप होता क्या है बता देते हैं देखो एक तो चीज समझिए कि ये जो उन्नयन कौन और जो उनतास है ये दोनों एक ही शब्द है कही होता है ना रामलाल का नाम ही राजू होता है कि मतलब कागजों में रामलाल और घर में बोलते हैं राजू वो चीज वो यही है ये। तो उनतास कौन और उन्नयन कौन दोनों एक ही बात है उ, दोनों उ, चालू हो रहा है ना खत्म और अवनमन कौन अलग है और उनतास और उन्नयन को ही क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कौन को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ये तो चीज थी बताने की लेकिन अब ये होता क्या है ध्यान से समझना ये है मीनार मीनार नहीं मकान मान लीजिए टें 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 ट मीनार हो गई और यहाँ पर कुछ दूरी पर ये ये कोई कबूतर है टें टें टें, -टें� ये कबूतर कब है और इधर कबूतरी है टॉपिक पे ये आज हो आज है रुक जाओ आराम से मकान पर कौन बैठी है बहन जी 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 बहना और यहाँ पर खड़ा ये बिल्कुल बाल वाल जेल वेल लगा के ऊँचा ये ध्यान समझना आराम से अब यहाँ से ये इसको थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं मामला जिससे व्यवस्था बन जाए इनकी ठीक है अब यहां से जब ये देखेगा जो बात ना जाने आता नहीं है मेरे को भाई आराम समझो यहां से ये भैया उस बहन जी को देखेगा या बहन जी भैया को जरूरत थोड़ी भैया ही देखे बहन जी भी तो देख सकती है तो ये भैया जब बहन जी को देखेगा एक तो कंडीशन बनती है ये दूसरी कंडीशन बनती है कि क्या पता बहन जी देख रही हो भैया को भाई तो दोनों कंडीशन बन सकती है ना अब ध्यान समझना अगर ये भैया बहन जी को देख रहा है तो ये आंखें इसको बहनजी को देखा नहीं पड़ेगी देखेगा तो आंखें इसकी ऊपर होगी या नीचे आप ही बता दो ऊपर क्योंकि ऐसे झांक रहा है भेनजी है ऊपर तो यूं झांकेगा और जब ये ऐसे यहां से ये झांकेगा ऐसे मैं थोड़ा सा दूसरा कैलर का उपयोग कर लेता हैं उपलब्ध है हमारे पास ये तो यहां से यूं ऊपर झांकेगा तो मुझे बता आंखों ने ऐसे आंखों ने ऐसे उन्नति करी नहीं करी उन्नयन उन्नयन यानी ऊपर नयन इसको कहते हैं उन्नयन कौन उन्नयन कौन ठीक है या उन्तास, आराम से अब ये देखो अगर ये बहनजी इस भैया को देखेगी तो सीधी सी बात है बहन जी की आंखें यहां हैं तो पहली बात अगर ये भैया नहीं होगा तो इसकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट में सीधे ऐसे ही तो जाएंगी सामने झांकेगी तो आंखें ऐसे जाएगी और यही बहन जी अगर इस भैया को देखेगी तो इसकी आंखें नीचे झुकेगी कि नहीं झुकेगी तेरी आंखें झुकी झुकी तेरा चेहरा झुका झुका आंखें झुकेगी इंटरेस्ट के साथ पड़े भाई अपन को तो यही आता है ये बहन जी जब भैया को देखेगी तो आंखें झुकेगी ना मतलब कोई आदमी ऐसे है सामने तो आंखें ऐसे बहन जी की भैया नीचे खड़ा है तो ऐसे जेगेगी भाई बोरा कबूतर तो आंखें इसका नाम है अवनमन कौन अवन नाम में ही सब कुछ है देखो नमन और नमन का मतलब होता है नमस्कार करना और नमस्कार हमेशा ऐसे किया जाता है नमस्ते अंकल जी नमस्ते आंटी जी नमस्ते पिताजी नमस्ते फलाना जी नमस्ते बाबा जी गलत हो गया बाबा जी नहीं बाबा तो जब भी नमस्कार करते हैं तो नमस्ते ऐसे करना पड़ता है ऐसे थोड़ी करते नमस्ते ऊपर नमस्ते नमस्कार अवनमन अवनमन कौन का मतलब नीचे यानी कि ये अवनमन कौन हो गया और ये हो गया उनतास या उन्नयनम बस खत्म ये छोटी सी बात है बस किसी कोण को देखने के लिए अगर आंखें उन्नति करें उन्नयन कौन झुके अवनमन कौन सॉरी अवनमन कौन सही है लेकिन क्या ऐसा क्या कारण था कि मैंने ये कह दिया आपसे भिड़ते ही कि आपको इन शब्दों पर ध्यान नहीं देना है वो सुन लीजिए आप जामिति जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ध्यान समझना जामिति जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि दो समांतर रेखाएं दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटे दो समांतर रेल की पटरी समांतर होती है उनको एक तिरछी रेखा काटे तो बनने वाला एकांतर कौन आपस में बराबर होते हैं ये तो है गणित की भाषा अब अपनी भाषा पे आ जाओ कि आपने देखा होगा मैं ये कहूंगा आपसे कि जेड बनाओ जेड बना रहे हैं भाई दूसरे कलर से ये लो ये बन गया जेड कलर दूसरा ले लेते हैं नहीं दिखे तो जेड बना नहीं बना तो जेड़ का ये वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में इंडियन भाषा में खांचा क्या बोलते हैं खांचा खांचा होता है ना जगह उसको खांचा बोलते हैं ये वाली जगह ये तो ये वाली जो जगह है ये वाली जगह इस वाली जगह के बराबर दिख रहा है क्या आपको ये बराबर और ज्यामिति में जो दिखता है वो होता है यानी ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के क्या है बराबर उल्टा ले ले जेड उल्टा बना ले कैसे जेड उल्टा मतलब ऐसे ये लो कई बार ऐसे भी बन जाता है ये लो ये भी तो जेड ही मानो आप तो ये वाला कौन जो है वो बराबर है इस वाले के कैसे ले लो तो एकांतर कौन कह दो चाहे मैं कह दूंगा कि जेड कौन कह दो कौन सा कौन जेड कौन एकांतर कौन कह दो चाहे जेड कौन कह दो बात एक ही है जेड कौन का मतलब ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या है बराबर अब देखो पिछला ये देखो ध्यान समझना भाई देखो बनाक के नहीं बना जेड देखो देखें, देखो भाई साहब मेहनत हो रही है जेड बना के नहीं बना बन गया सर जेड का ये वाला खांचा इस वाले खांचे के बराबर होता है या नहीं होता है होता है और जब कौन ही बराबर है तो क्या उन्नयन क्या उदमन क्या उनतास क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फलाना ठिकाना सब बराबर है तो सबसे बड़ी बीमारी मैंने खत्म कर दी कभी भी ऐसे शब्द आए इन पर ध्यान आपको नहीं देना है और कौन को हमेशा कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे कहां पे लिखेंगे? नीचे। भाई। यानी कौन चित्र ऐसे बना दिया और ये नब्बे डिग्री तो कौन को अगर प्रश्न में जो कौन दे रखा है उसको हमेशा कहा लिखेंगे यहां लिखेंगे यहां पर कभी भी नहीं लिखेंगे ये भाई साहब खत्म हो गया भाई साहब बेसिक एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फिर क्वेश्चनों पे आते हैं कि क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे करेंगे ठीक है देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया एक बार मैं इधर ही कर लेता हूँ इधर ये लो ये लो साहब हाइट डिस्टेंस एडिंग डलवाई थी अपना यही काम भाई पहले पढ़ाते हैं फिर रिविज़न कराते हैं फिर पढ़ाते हैं फिर रिविज़न कराते हैं क्योंकि मैं कम विश्वास करता हूँ कि स्टूडेंट पढ़ेगा खुद ही याद करेगा कई तो बोल याद खूब करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन उनको याद होता नहीं है मैं करा देता हूँ भाई याद क्या करू ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक ये मैंने बताया कि ये समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री के सामने क्या होता है करण आपसे कहूँ आधार ये है क्या अब मना करता हूँ कि नहीं मास्टर ये है आधार नहीं ये लंब है नहीं अब बताओ देखिए अगर मैं ठीठा यहाँ लगा तो अब बताओ लंब कौन सा ये है ये है ये क्या है लंब और फिर ये बच जाएगा वो क्या है आधार और तीनों में एक संबंध है जिसको क्या कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्लियर आगे चलो ये बता दिया इतने प्रकार के त्रिभुज जिसमें से एक ही त्रिभुज पढ़ना है कौन सा समकोण त्रिभुज आगे चलेंगे ये मैंने बताई दिया अभी अभी ये मैंने ही दिया रूढ़ दो का मान चौदह चौदह रूढ़ तीन का मान सतरा दो नौ बत्तीस और दो ही त्रिभुज आपके सामने दो ही त्रिभुज आपके सामने रटने हैं कौन कौन से एक तो पैंतालीस पैंतालीस नब्बे और एक तीस साठ नब्बे पैंतालीस पैंतालीस नब्बे और एक तीस साठ नब्बे पैंतालीस पैंतालीस नब्बे में क्या करेंगे पैंतालीस पैंतालीस नब्बे में पैंतालीस के सामने एक पैंतालीस सामने एक नब्बे के सामने रूढ़ दो तीस के सामने एक साठ के सामने रूढ़ तीन नब्बे के सामने दो और याद करा दूंगा चिंता मत करो ठीक है इसके बाद फिर आगे चलेंगे ये शब्दों को बताया मैंने उन्नयन कौन फलाना शब्दों पे ध्यान नहीं देना ये उन्नयन उनता बता दिया मैंने आगे कुछ बताएंगे नहीं, बताएंगे देखो अब क्या है जैसे मैं कहूंगा आपसे प्रश्न है एक मीनार से आराम से साठ मीटर दूर स्थित किसी बिंदु ऐसे लिखेंगे नहीं प्रश्न ये तो क्या आज पीडीएफ उपलब्ध नहीं है। जो प्रश्न आ जाएंगे नहीं अपने आप फास्ट काम चलेगा चिंता ना करें लेकिन पहली क्लास इसलिए काम चलाएं एक मीनार से साठ मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कौन उन्हें कौन 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी दिख रहा है सबको मीनार की ऊंचाई क्या होगी बिल्कुल आराम से मैंने फास्ट प्रश्न लिख दिया अब देखो प्रश्न जब ऐसे आएगा तो आपको क्या करना है बिल्कुल हाइट डिस्टेंस का नॉर्मल प्रश्न ले रहे हैं लो लेवल से खतरनाक से खतरनाक कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी किताब का कोई सा भी प्रश्न ले आना सारे का आंसर आएगा ठीक है अब देखिए इधर एक मीनार मीनार बना दीजिए भाई साहब ये लो मीनार हो गई ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने बना दिया कोई बात नहीं मीनार से साठ मीटर दूर यानी कि मिनार यहाँ है यहां से साठ मीटर दूर ये लो कितना मीटर दूर साठ मीटर साठ मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से ये, ये रहा बिंदु किसी बिंदु से उन्नयन कौन पैंतालीस डिग्री ये है काम की चीज और मैंने ये कहा था आपसे देखो कुल मिला के ये चित्र बनेगा रे यार क्योंकि तो मैंने कहा था पूरी त्रिकोण मिति में यही चित्र चलेगा बना दो अब ये कह रहा है कि उन्हें कौन पैतल कई उन्ने उनता से ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगे झागवार आ जाएंगे समझ में आता नहीं है कुछ भी आपको क्या करना है इन शब्दों पे ध्यान नहीं देना है टंटाई खत्म कर दिया कुछ भी हो शब्दों पे ध्यान नहीं देना है और जो भी कौन दिखे कितना दिख रहा है पैतालीस उसको हमेशा कहाँ लगाएंगे नीचे कहाँ लगाएंगे नीचे ये पैंतालीस ये फिक्स नब्बे है ही अब आप कहो सर वहाँ क्यों नहीं लगाया कौन की बात हमेशा नीचे ही करेंगे अब आप मुझे बताओ ये नब्बे है ये पैंतालीस है अब मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है एक सौ अस्सी और एक सौ अस्सी करने के लिए ये नब्बे है ये पैंतालीस है तो ये कोण भी कितना पैंतालीस मैंने आपको दो ही तो त्रिभुज बताए हैं याद करने के लिए ये लो आ गया भाई साहब अरे भाई साहब हाँ ये ये दो ही तो त्रिभुज बताए इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज था भी जो चित्र बनने बना ये वाला था या वो वाला था यही आएंगे घूम फिर के देख लेना भले पूरे चैप्टर में ही ये वाला है इसको मैं वहां लिख देता हूं दोबारा से देखिए कैसे ये था ना हाँ पें... मैंने आपको क्या याद कराया था यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड क्या याद कराया था दो ही तो त्रिभुज कराए थे ये नब्बे ये पैंतालीस ये पैंतालीस पैंतालीस सामने एक पैंतालीस सामने एक दिख रहा हूं मैं गायब हो गया भाई पैंतालीस सामने एक पैंतालीस सामने एक नब्बे के सामने ये याद कराया था ये आया है दोनों की मैचिंग करो आप हाँ। दोनों की क्या करेंगे मैचिंग आप कहोगे सर इधर तो पैंतालीस के सामने एक है और इधर पैंतालीस के सामने क्या है साठ मैं कहूँगा कि उधर पैंतालीस के सामने क्या था था का मतलब मैंने जो जो याद कराया है तो पैंतालीस के सामने क्या था एक इधर पैंतालीस के सामने क्या है है का मतलब जो दिख रहा है साठ इसका मतलब जो ये एक है वो बराबर किसके साठ के आराम से बिल्कुल मुझे पता नहीं आपको कितना आता है तो एक यूनिट जो है वो बराबर साठ के तो यहाँ लिख देता हूँ एक यूनिट जो है वो बराबर किसके साठ मीटर के हेलो एक यूनिट जो है वो बराबर किसके साठ मीटर के अब मुझे बताओ एक बराबर अगर साठ है तो दो बराबर बता दो एक बराबर साठ तो दो बराबर एक को दो से गुणा करेंगे तभी तो दो बनेगा एक को दो से गुणा करेंगे तो इधर दुगुणा तो इधर भी दुगुना करेंगे तो साठ का दुगुना एक सौ बीस अगर मैं तीन गुणा करूं तीन यूनिट तो इधर तीन गुणा तो इधर भी तीन गुणा कर देंगे छत्तीस अठारह एक सौ अस्सी मीटर चार गुणा तो इधर भी चार गुणा समझ रहे हैं आप लेकिन ये अभी हमको जरूरत नहीं है अगर मैं एक यूनिट बराबर साठ अगर करता हूं तो अगर मैं रूट दो यूनिट बराबर निकालू ध्यान समझना तो रूट दो यूनिट के लिए क्या करेंगे ध्यान समझना रूट के दो यूनिट के लिए क्या करेंगे एक को रूट दो बनाना है आराम से जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें भाई कईयों को नहीं आता है और जिनको नहीं आता है उनके लिए हम खड़े हैं एक यूनिट बराबर अगर साठ है तो रूट दो यूनिट अगर निकालना है तो एक को रूट दो बनाना है तो एक को रूट दो से गुना कर देंगे भाई एक को रूट दो से गुना करेंगे तभी तो रूट दो बनेगा इधर रूट दो से गुणा किया है तो इधर भी रूट दो से गुणा कर देंगे यानी कि क्या आ जाएगा साठ रूट दो नहीं आएगा समझ अब यहां से इसको चेक कर लो आप कि भाई पैंतालीस के सामने साठ है लेकिन पैंतालीस के सामने होता क्या था एक तो पैंतालीस सामने इधर एक तो इधर भी पैंतालीस सामने एक इसका मतलब पैंतालीस के सामने इधर साठ है तो इधर पैंतालीस के सामने भी क्या होगा साठ ही तो होगा क्योंकि तो इधर भी तो पैंतालीस सामने एक है इधर भी पैंतालीस सामने एक है और इधर देखेंगे आप नब्बे के सामने रूढ़ दो है <laughs> तो इधर नब्बे के सामने रूढ़ दो है तो यहाँ रूढ़ दो बराबर कितना है साठ तो रूट दो यह आ जाएगा साठ रूट दो लेकिन आपसे तो केवल मीनार की ऊंचाई पूछी है मीनार की ऊंचाई ये थोड़ी है मीनार की ऊंचाई तो ये है और ये ही इसका क्या है आंसर मैं मानता हूँ कई विद्यार्थी इसका आंसर मुख्यवानी भी दे सकते हैं लेकिन आप मुझे बताओ आपने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा तभी तो आंसर दे रहे हैं कई विद्यार्थी क्या पता पहली बार ही पढ़ रहे हो ये मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ठीक है ज़्यादा तीस मार खान ना बने आराम से पढ़ जो चीज़ आपको आती है वो स्किप कर दें आगे पढ़ लें लास्ट लास्ट की वीडियो देखें वहाँ पता चल जाएगा औकात का भाई क्या है शुरुआत में तो स्लो स्लो पढ़ाएंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्न कराएंगे एक बार इसको दोबारा बता देते हैं ध्यान समझना भाई क्या है मामला मैंने क्या बताया दूसरा प्रश्न ले लेते हैं कि ये मीनार है और मीनार से यहाँ लिख देता हूँ एक मीटर की दूरी पर स्थित मीनार है तो ये कौन नब्बे डिग्री मीनार से 120 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कौन कितना दे दे 45 डिग्री दे दिया फिलहाल यही करते हैं ये नब्बे है ही चिन्ह का मतलब नब्बे ही होता है ये ये जो चार कूट का है ना इसका मतलब ही नब्बे है अगर ये ऐसा होता ना ऐसे तो नब्बे नहीं था इसका मतलब ही नब्बे होता है नहीं समझ में आता है तो ये लिख लो अब ये नब्बे है ये पैंतालीस सर मीनार की ऊंचाई पूछ ले या फिर ये पूछ ले तो ये नब्बे है ये पैंतालीस है तो आप मुझे बताओ पूरा एक सौ होता है एक सौ करने के लिए ये नब्बे है ये पैंतालीस है तो ये कितना होगा पैंतालीस अब पैंतालीस पैंतालीस नब्बे दिखते ही आपको ये याद आ जाएगा ये पुराना कौन सा जो मैंने याद कराया था ये लो बना देता हैं इधर ये नब्बे ये पैंतालीस ये पैंतालीस पैंतालीस सामने एक पैंतालीस सामने एक नब्बे के सामने रूट दो इसकी और इसकी मैचिंग करेंगे इधर पैंतालीस के सामने देखेंगे आप कितना दे रखा है एक सौ बीस इधर पैंतालीस के सामने कितना दे रखा है एक इसका मतलब एक यूनिट जो है वो बराबर है किसके एक सौ बीस के एक यूनिट बराबर एक सौ बीस तो रूट दो यूनिट बराबर एक को रूट दो से गुणा करेंगे तो इधर भी तो रूट दो से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा एक सौ बीस रूट दो यानी पैंतालीस के सामने अगर इधर एक सौ बीस है तो पैंतालीस के सामने ये भी कितना हो जाएगा एक सौ बीस ही आएगा पैंतालीस सामने एक सौ बीस तो पैंतालीस के सामने एक सौ बीस क्यों क्योंकि पैंतालीस सामने एक तो पैंतालीस सामने एक नब्बे के सामने रूट दो है तो इधर रूट दो बराबर आ जाएगा एक सौ बीस रूट दो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे चिंता ना करें आप स्पीड तो बढ़ाएंगे आप हवाई हवा में बिगर पेन कॉपी आंसर लाके छोड़ूंगा एक प्रश्न और करते हैं आराम से एक मीनार है और मीनार के मीनार की ऊंचाई दे देते हैं अबकी बार मीनार की ऊंचाई है मान लो नब्बे मीटर मीनार की ऊंचाई कितनी नब्बे मीटर और मीनार के आधार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो आपका दे दिए जाए मान लीजिए साठ डिग्री साठ तो थोड़ा तब पड़ेगा आपको रुक जाइए थोड़ी देर तीस डिग्री टफ कुछ नहीं है आप थोड़ी देर के लिए समझे ये तीस और ये फिक्स है ही नब्बे डिग्री अब ये पूरा बस और आपसे पूछ लेगा कि ये वाली डिस्टेंस आप बताइए ये प्रश्न पूछ लेगा प्रश्न की लैंग्वेज क्या रहेगी एक नब्बे मीटर ऊंची मीनार है मीनार के पाद से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की न, जो चोटी है उसका उन्नयन कोण तीस डिग्री है तो बताइए वह दूरी क्या है ठीक है अब ध्यान समझना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है एक सौ अस्सी ये नब्बे है ये तीस है तो ये कितना होगा बताओ ये साठ होगा तभी तो साठ और तीस नब्बे नब्बे एक सौ अस्सी होगा और जैसे ये दिखेगा तो आपको वो दूसरा त्रिभुज याद आ जाएगा दो ही त्रिभुज चलेंगे पूरी त्रिकोण मिति में यही चलेगा चिंता ना करें कैसे आप देखना अब ये चीज जब ये मैं पढ़ाता हूं तो यहां से देखिए आपको ये चीज याद आ जाएगी मैं जो साथ में लेके इसलिए चल रहा हूँ किसी को क्या पता नहीं पता हो ये तीस ये तीस के सामने एक साठ के सामने रूट तीन और नब्बे के सामने कितना दो रूट दो तो पैंतालीस वाले में होता था ठीक है इसकी और इसकी मैचिंग करो कैसे इधर तीस के सामने कितना दे रखा है नब्बे मीटर इधर तीस के सामने नब्बे मीटर दे रखा है तो इधर तीस के सामने कितना है एक इसका मतलब एक यूनिट जो है वो बराबर है किसके नब्बे मीटर के तो यहां लिख दूंगा मैं एक यूनिट जो है वो बराबर है किसके नब्बे मीटर के एक यूनिट बराबर अगर नब्बे है तो वास्तव में बता दीजिए दो यूनिट बराबर और सर इसको डबल गुना किया तो इधर भी इसको डबल कर देंगे नौ का डबल अट्ठारह एक सौ अस्सी मीटर डबल तो इधर भी डबल इधर अगर मैं रूट तीन यूनिट निकालू रूट तीन यूनिट तो एक को रूट तीन से गुणा करेंगे एक को अगर मैं रूट तीन से गुणा करूंगा तभी तो रूट तीन बनेगा एक को रूट तीन से गुणा किया रूट तीन बनेगा इधर रूट तीन से गुणा करेंगे तो इधर भी रूट तीन से गुणा करेंगे और ये आ जाएगा कितना नब्बे रूट तीन तीन से गुणा तो इधर भी रूढ़ तीन से गुणा अब लगा दो आप कि भाई तीस के सामने तो एक होता था देखो ये रहा एक बराबर तो नब्बे है ही साठ के सामने क्या होता था रूढ़ तीन तो ये देखो साठ के सामने रूढ़ तीन यानी नब्बे रूढ़ तीन यानी कि ये जो आंसर आएगा ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा नब्बे रूढ़ तीन और नब्बे के सामने दो होता था, था ना तो दो बराबर कितना है एक सौ अस्सी तो ये नब्बे के सामने ये आ जाएगा एक सौ अस्सी प्रश्न आएंगे कि पतंग उड़ रही है ऐसे आगे की लंबाई बताओ पतंगे की तब ये पूछा जाएगा अभी तो बस पहली क्लास है मेरे भाई प्रश्नों का लेवल देखना आप बिल्कुल लो लेवल से खतरनाक बिल्कुल खतरनाक ज्यादा बेहतरीन खतरनाक ठीक है तो ये हो गई अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको ये समझ में आया होगा आपके प्रश्न क्या है छोटे मोटे प्रश्न आप कर सकते हैं हाँ जी अब देखो इधर आज मैंने क्लास में ये पढ़ाया है आपको और नेक्स्ट क्लास में और मिलेगा आपको इस इससे आगे का मामला तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ाएंगे मतलब कुछ का मतलब इसी को आगे पढ़ाएंगे ठीक है तो जो फ्री वीडियो हम डाल रहे हैं वो फ्री वीडियो आप इसी ऐप में देखते जाइए पढ़ते जाइए और दो तीन चार पाँच वीडियो देखते जाइए पढ़ते जाइए अगर आपको पसंद आता है तो उसको परचेज कर लीजिए पढ़ लीजिए ठीक है और आपको क्या है कि जो भी क्रॉस की प्राइज है वो उसमें दिख जाएगी और आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि उसी फीस में आपको आपके घर के एड्रेस में आपके घर के एड्रेस जो आपसे मांगा जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे उस पर कोरियर के द्वारा या पोस्ट के द्वारा आपके घर पे बुकलेट पहुंचाई जाएगी मैथमेटिक्स की तो फिर मैं उसमें कहूँगा कि भाई क्वेश्चन नंबर फलाना देखो फलाने पेज पे तो आप उसी पेज को खोल करके वहाँ देख सकते हैं तो इससे ये होगा कि एक ऐसे मतलब ऐसे लगेगा जाने कोई हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ठीक है तो इससे आगे का मैटर कल यानी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा तो सीरियल के हिसाब से एक सबसे बड़ा निवेदन ये है कि ये नहीं कोई सी भी वीडियो क्लिक किया आपने और वो देखने लगे सीरियल से पढ़े आज टॉपिक फर्स्ट हाई डिस्टेंस से ही टॉपिक की स्टार्ट कर स्टार्ट करता हूँ मैं गणित की शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ तो ये पहली क्लास है नेक्स्ट दूसरी पढ़ें तो पहली पढ़ें उसके बाद ही दूसरी पढ़ें नहीं आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें धन्यवाद